आना होगा। एक बात कान खोलकर सुन लो मेरी, हरीमू या वकास, मैं अब इस घर में ये दो नाम नहीं सुनना चाहती। वो सोने के भी बनकर आ जाए ना तो ना उन पर भरोसा किया जा सकता है, ना उनकी इस घर में कोई जगह है। रमी ठीक कह रहे हैं राधा, मैं आज के बाद ये दो नाम हरीम और वकास नहीं सुनना चाहता। सुन लिया, भाई की बात समझ में आ गई? मेरी तो नहीं आती ना तुम्हें? नाइमा बेटा, तुम्हारी माँ तकब्बुर और अना के हाथों मजबूर है। और बेटा, ये जो तकब्बुर और अना है ना, ये पत्थरों को सजदा करने पे मजबूर तो कर देती है, लेकिन खुदा को सजदा नहीं करने देती। और जिन लोगों में ये तकब्बुर और अना होता है, वो अंदर से पत्थर के हो जाते हैं और सिर्फ अपनी परस्तिश करते बस। लेकिन डैडी, बात जिद की है तो मैं भी उन्हीं की बेटी, मैं मम्मी की जिद और अना के आगे नहीं झुकूंगी। बेटा, वकास से तुम्हारा कोई रिश्ता हुआ? आपको कैसे पता चला? बेटा, जिस तरह तुम वकास की हिमायत में बात करती हो, साफ जाहिर है, इतना तो मैं समझ सकता हूं। आपने मामी का रवैया देखा, वो कभी नहीं मानेंगे। लाइबा बेटी, तुम सिर्फ अपने दिल की सुनो, किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारी अपनी जिंदगी है, अगर तुम अपनी माँ के चक्कर में रही ना तो देख लेना, एक एक करके सारी औलादे से नफरत करने लगेगी। सिस्टर? यस। कैसी तबीयत है अब उनकी? अभी उन्हें ट्रैंकुलाइजर्स भी रखा हुआ है, टांग कटने की तकलीफ भी और सदमा भी, बहुत अजियत में है अभी वो फिलहाल। आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो जाएंगे, कल तक आईसीयू में रखेंगे, परसों इंशाल्लाह रूम में शिफ्ट कर देंगे। आप ओटी के चार्जेस पे कर दें प्लीज। थैंक यू। वेलकम। मेरी जिंदगी खराब करती इस मनहूस आदमी ने, चार्जेस कौन पे करेगा? कहीं आपने बुलाया था मुझे? हाँ, मैंने ही मैसेज करके तुम्हें बुलाया था। जल्दी कीजिए, मेरे पास अब आप लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं, हत्ता के वक्त भी नहीं। बैठो। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए फाइज, सिवाय हरीम के खुला के हक के, और ये उसका जायज कानूनी और शरई हक है। अच्छा, जायज कानूनी शरई हक, इन सब बातों का मतलब भी जानते हैं आप?
ऐसा कौन सा नाजायज काम है जो आप लोगों ने नहीं किया? अपनी हद में रहो फाइज। हरीम को अपने घर ले जाके तुमने कोई एहसान नहीं किया था हम पे। वो एक बिगड़े हुए रईस ज़ादे के दिल की छुपी हुई ख्वाहिशें थी जिनको तुम पूरा करना चाह रहे थे, और उसके पूरा होते ही तुम बदल गए। तुमने मेरी बेटी पे तरह तरह के झूठे और बेबुनियाद इल्जाम लगा के उसे जलील और रुसवा करने की कोशिश की, और खुदा के वास्ते बख्श दो हमें। मैंने अहमकों की दुनिया में रहना छोड़ दिया है। मैं वो फाइज नहीं रहा जो मोहब्बत के सिक्कों के इवज बेमोल बिकता था। आपकी बेटी एक कातिल है, उसके हाथ में कोई खंजर तलवार नहीं है, लेकिन ऐसा घायल किया है उसने मुझे कि ना जी सकता हूं ना मर सकता हूं। अरे मैं तो किसी को जाके ये शिकायत भी नहीं कर सकता कि जहर को मैंने खुद पिया था आबे हयात समझ के। ये यहां क्यों आए? मैं ये बताने आया हूं कि इतनी आसानी से तुम्हें आजादी नहीं मिलेगी जब तक तुम अपने एक एक जुर्म का एतराफ ना कर लो, अपने हर नए और पुराने ताल्लुकात का, अपनी लालच का, अपनी हवस का, मेरे इर्द गिर्द बुने जाल के एक एक तार का। जब तक तुम एतराफ नहीं कर लेती तुम्हें आजादी नहीं मिलेगी, और फिर मैं तुम्हें बगैर कुछ कहे आजाद कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी आंखों में आंखें डाल के एतराफ करना होगा। तुम्हें तो मैं आजमा चुका, मुझे खुद को आसमान है कि और कितनी हिम्मत और हौसला बाकी है मुझमें। और जब तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ जाए तो आ जाना अपनी आजादी का परवाना लेने, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा ये समझ के कि एक एहसान हो सही। क्या हुआ तेरे भाई के साथ? माफ करता हूँ, खुदा का वास्ता मुझे माफ करता, माफ करता हूँ मुझे। क्यों माफी मांग रहा है? किससे मांग रहा है? अभी मामू अभी सदमे में है ना, इसलिए पता नहीं किस बदबख्त की नजर खा गई मेरे बच्चे को, सारी जिंदगी के लिए पाच हो गए। माफ कर।
तुम्हें मुलाजमों की तरह काम करते हुए देखती हूँ तो बहुत दुख होता है। मैंने तो शहजादियों की तरह पाला था अपनी बेटी को। महलों में रहती थी, एक आवाज पर 10 नौकर भागे चले आते थे। जिंदगी ने दावा दे दिया वफाने की किस्मत में। मामू, मैंने कहीं पढ़ा था खजा इसीलिए आती है क्योंकि नए फूल पत्तों ने आना होता। हालात इंसान को वो सब कुछ सिखा देता है जिसने कभी नहीं सोचा होता। मुझे काम करने का दुख नहीं है, मुझे सिर्फ दुख इस बात का है मैं अपनी जिंदगी बंद आंखों के साथ गुजारती रहूंगी। हम हलाल और हराम में तमीज ही ना कर सके। हराम खा खा कर हम मगरूर हो गए थे, संग दिन हो गए थे। लाइबा, तुम किस किस्म की किताबी बातें करने लगी हो? तुम ऐसी तो नहीं थी, तुम्हें तुम्हें क्या हो गया बेटा? मेरी बात सुनो, हमारे केसेस चल रहे हैं ना कोर्ट में, हमें सब कुछ तो नहीं मिलेगा लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। हम फिर से मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, सब कुछ हासिल कर लेंगे, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। और फिर तुम देखना, इस बार मैं तुम्हारी शादी उससे भी ऊंचे घराने में करूंगी, उससे ज्यादा पैसे वाले लोगों में करूंगी। अम्मी प्लीज, मुझे ये सब बातें नहीं सुन। रुपया, पैसा, जायदाद, ऊंचा खानदान, अम्मी मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। हेलो। हेलो लाइबा, क्या हम बाहर मिल सकते हैं? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने मामा से बात की थी, वो बिल्कुल भी राजी नहीं है, लेकिन मैंने मामा को कह दिया है कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ लाइबा से, चाहे मुझे लोगों की दुश्मनियां मोल लेनी पड़े। जी वकास, वकास अगर आप मेरे लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं, मुझ में भी इतनी हिम्मत है। आप मुझे बताएं कहाँ मिलेंगे आप मुझसे? मैं तुम्हें जगह और टाइम बता दूंगा, ओके? ठीक है कंक। सी यू, बाय। ठीक। उसने कहा कि वो अपनी झोली के अंगारों को फूल बनने का इंतजार करेगी। बहुत फर्क है तुम में और मुझ में, हमारे स्टेटस में बहुत फर्क है। मान लो इस बाप के जोर पर तुम्हारे भाई की मोहब्बत खरीदी जा सकती। अगर ऐसा होता ना तो मुझसे अमीर और कौन होता इस दुनिया में? अपने घर वालों पे क्या इतनी भारी पड़ी थी? शादीशुदा लड़कियां जब अपना ससुराल छोड़कर मैके में आकर बैठ जाएं, तो घर वालों पर भारी होती हैं। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी अच्छाई की हद कहाँ तक है।
उसने ऐसे कैसे कह सकती? अरे मैं कोई झूठ बोल रही हूँ? मैं तो शगो के घर थी, मुझे वहां पैगाम मिला कि घर मत आना, मैंने घर बेच दिया है। अगर आओगी तो बहुत बेइज्जती होगी। मुझे ये बता नासिर, घर तो तेरे नाम था, ये हुस्ना बेगम बाला बाला कैसे बेच सकती है? मेरी अपनी बेवकूफी है अम्मा, मैंने घर उसके नाम कर दिया था। हाय मेरे लो भाई, उसकी प्रॉपर्टी के चक्कर में मुझे लगा मकान सस्ता है, उसकी प्रॉपर्टी करोड़ों की है। अरे क्या किया तूने, एक बार ना सोचा? अरे तेरे अब्बा की निशानी थी, मेरा घर बेच दिया मुझसे पूछे बगैर ही। ये नहीं सोचा कि माँ के सर से छत छिन जाएगी? कहाँ जाएगी माँ, क्या मतलब है? अब मैं दरबदर की ठोकरें खाऊंगी। नासिर साहब, आप लोग के ड्यूज अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। डॉक्टर साहब ने कहा आज लाजमी आपको पेमेंट क्लियर करनी होगी, वरना आपका ट्रीटमेंट रुक जाएगा। थैंक यू। मैं उसमें से बोलो, वो बैंक के सारे कार्ड उसके पास है, सब चीज उसके पास है, मेरे पास कुछ नहीं है। उससे बोलो यहाँ के बिल क्लियर करे, कॉल करो उसे। भाई वो हुस्ना ने पुला मांगी है आपसे, और ये भी कहलवा दिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं है और ना ही कोई हिसाब किताब है। कमरे से बाहर निकले, थोड़ी खुली फिजा में बैठे, तबीयत संभलेगी। आ जाए, हिम्मत करें, आ जाए, इधर आ जाए, बैठे। तकिया लगा दूं पीछे? मिर्जा साहब से बात हुई है मेरी, वो बहुत पुरउम्मीद है कि कोर्ट की तरफ से रिलीफ मिल जाएगा। जो अकाउंट्स आपके नाम पर हैं वो तो नहीं खुलेंगे, मगर जो मेरे, लाइबा और फाइज के नाम पर हैं वो खुल जाएंगे। कहकशा बेगम, आप कितने खुश थे उस 120 गज के घर, कितना सुकून था, मैं चैन की नींद सोया करता था। जितना याद उस घर से निकलने के बाद आज तक चैन की नींद नहीं सोया। मुझे आपकी समझ नहीं आती फरकान, शायद इसीलिए खुशियां रास नहीं आती। मुझे तो वो छोटा सा घर बिल्कुल याद नहीं आता, जहां छोटी छोटी ख्वाहिशात तक गला घोंटना पड़ता था। मुझे याद आता है अपना आलीशान महल, जहां मैं राज करती थी। राज, आप देखिएगा कि वो सब कुछ वापस आएगा, हमें अपना घर मिलेगा, आप देखिएगा, हम मिलकर सब कुछ हासिल कर लेंगे, उसी घर को, उसी महल को दुगनी कीमत पर वापस खरीदेंगे। इसलिए किसके लिए कहकशा बेगम? रायान जैसी मनहूस औलाद के लिए, जो ना दुनिया में काम आई और ना ही आखिरत में काम आएगी। अब तो बस मैं सिर्फ यही सोचता हूं कहकशा बेगम, दुनिया और आखिरत की जिन्नत मैंने किसके लिए सही? जालसाजी, झूठ, रिश्वत, जखीरा अंदोजी, दो नंबर ही, क्या कुछ नहीं किया मैंने इस दो दिन की जिंदगी की आसाइशों के लिए? अब मैं
अपने अमाल का हिसाब कैसे दूंगा अपने रब? बताओ मैं कैसे नजरे मिलाऊंगा अपने अल्लाह से? यही सोच है आपकी जो आपको अब डिप्रेशन में मुब्तिला कर देगी। आप पॉजिटिव क्यों नहीं सोच सकते? आप बेहतरी की तरफ क्यों नहीं जा सकते? फुरकान आप चाहें तो मिट्टी को सोना बना सकते हैं। ये काबिलियत है आप में और हम कर सकते हैं। हम मिलकर सब कुछ दोबारा बना सकते हैं। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा आलम क्या यही है कि अकशा बेगम, तुमने हमेशा नेगेटिव को पॉजिटिव कहा और पॉजिटिव को नेगेटिव कहा और मैं मानता चला गया। फायदे तुम्हें और तुम्हारी औलाद को मिलते रहे और खसारा मैं उठाता चला गया। तुमने सब कुछ तबाह कर दिया कहकशा बेगम, तबाह कर दिया सब कुछ। वाह फुरकान, मैं यहाँ आपकी सेहत आपकी तबीयत का लिहाज कर रही हूँ, एहसास कर रही हूँ और आप मुझे इंसान दे रहे हैं। मैं जिसने आपको आपके घर को आपके बच्चों को संभाला, मेरी मेहनत थी जिसने आपको उस मुकाम पर पहुंचाया जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे, वरना रहते सारी जिंदगी उस 120 गज के घर में और फिर जाते 2 गज के घर में। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं आपकी तरह नहीं हूं। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। मैं सब कुछ वापस हासिल करूंगी, आप देख लीजिएगा। और जिन लोगों ने बुरे वक्त में हमारा साथ छोड़ा है उनको तो मैं देख लूंगी। आप पड़े रहिए अपने डिप्रेशन में। यहां तुम्हें इंसान तो कोई नहीं समझा सका कहकशा बेगम, अल्लाह ही समझाएगा तुम्हें, अल्लाह ही समझाएगा तुम्हें। तुम्हें खुदा का वास्ता है मुझ पर रहम का उसने, मैं क्या करूंगा? मेरे पास कुछ नहीं है। तुमने मेरा मकान बेच दिया है, तुमने मुझे इस हालत में, मेरी मां को इस उम्र में बेआसरा कर दिया है उसने। खुदा का वास्ता अगर मैंने अस्पताल वालों का बिल ना दिया तो ये मुझे निकाल देंगे, मैं कहाँ जाऊंगा? फिर धर की ठोकर खाता फिरूंगा उसने। इंसान जो बोता है ना वही काटता है अपनी जिंदगी। पहले तो मैं समझती थी कि मेरी कम उम्र की मासूमियत से तुमने फायदा उठाया और गुनाह किया। चलो इस गुनाह के लिए भी मैं तुम्हें माफ करने को तैयार थी, लेकिन तुमने तो न जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी तबाह करके रख दी। एक नंबर के घटिया और ब्लैकमेलर इंसान हो तुम। तुम्हारे मोबाइल फोन में, तुम्हारे लैपटॉप में इस किस्म की चीजें देखी है मैंने कि मेरी रूह कांप गई। अरे इस कदर गलाजत और खबासत भरी हुई है तुम्हारे अंदर कि अगर शैतान भी देखे ना तो शर्मा जाएगा नासिर। तुमने अपने वजूद को ना सिर्फ हराम पे पाला, मुझे सारी उम्र ना अपने आप से घिन आती रही थी कि मैंने अपनी जिंदगी का एक अरसा घिनौने आदमी के साथ गुजारा। याद रखना, मैं तुम्हें सारी उम्र माफ नहीं करूंगी। जिन बैंक अकाउंट पे कब्जा करके बैठी हो ना, वो भी इसी घिनौने शख्स के हैं। दुश्मन से कमाया हुआ माल गनीमत हराम नहीं होता नासिर साहब। उस्ता मेरी बात सुनो, मुझ पर रहम खाओ, अस्पताल का बिल दे दो। मैं कहाँ जाऊंगा इस हालत में? मैं दर दर की ठोकरे खाता फिरूंगा, मैं फुटपाथ पे आ जाऊंगा। उस्ता मेरी बात सुनो। उस्ता सब ठीक रहा ना बेटा? जी अब्बू, शुक्र अल्लाह का सर। कैसा रहा ऑफिस? अच्छा था। आपका दिन कैसा रहा? हाँ हाँ। सरप्राइज। हाय।
कैसी है मेरी प्यारी बहन? मैं ठीक हूँ, मुतमईन हूँ। अपने रब के शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने मुझे कमजोर नहीं बनाया, बहुत मजबूत बनाया। बहुत फख्र है मुझे अपनी बहन पर। मुझे भी फख्र है अपने दोनों बच्चों में। और मुझे यकीन है अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो आज उसे पता चलता कि किस तरह माँ बाप की दुआएं औलाद के हक में पूरी होती हैं। अच्छा, अब बस रोती रहोगी? मैं मेरे खाना भी बनाऊं? क्यों नहीं भाई, मैं अभी बनाता हूँ आपके लिए खाना। कहीं जा रही हो? अपनी दोस्त से मिलने जा रही हूँ। नाम क्या है दोस्त का? मम्मी शायद आप भूल चुकी हैं, मेरी बहुत सी दोस्त हैं। इन हालात से पहले मैं हर रोज बाहर जाया करती थी। और इन हालात के बाद से तुमने सबसे मिलना छोड़ दिया था बावजूद मेरे कहने के। अब क्या बदल गया है? दिल बदलने की देर होती है मम्मी, सब कुछ बदल जाता है। मुझे देर हो रही है, मैं निकलती हूँ। मैं जानती हूँ तुम मकास से मिलने जा रही हो। उन लोगों से ताल्लुकात बढ़ा रही हो जिन्होंने हमें सारे जमाने के सामने जलील करके रख दिया। मामी, मैं उन लोगों से नहीं, सिर्फ वकास से मिलने जा रही हूँ। उसने जो कुछ भी किया वो अपने किए पर शर्मिंदा। उसके घर वाले इस शादी से बिल्कुल भी राजी नहीं, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी वो मुझसे शादी करना चाहते। उसे एहसास हो गया कि उसने गलती की थी। उसे ये भी एहसास हो गया कि वो मेरे अलावा किसी और लड़की के साथ नहीं रह सकती। सच्चे दिल से तौबा के बाद तो रब भी माफी के दरवाजे खोल गए थे। हम इंसान अपने दरवाजे क्यों बंद रखें? मुझे ये जज्बाती लेक्चर देने की बजाय जरा प्रैक्टिकल होकर सोचो। वो है क्या अपने माँ बाप की दौलत के बगैर? तालीम तक उसने मुकम्मल नहीं की, सारी जिंदगी माँ बाप के पैसे के ऊपर ऐश की। अपने बलबूते पर वो क्या कमाएगा और क्या खिलाएगा? कस्मों वादों से पेट नहीं भरे जाते। हराम की कमाई से बेहतर है इंसान खाली पेट रह के अपनी जिंदगी गुजारे। मैं मामूली सा खा के और मामूली सा पहनकर गुजारा कर रहा, लेकिन वकास को किसी गलत काम पर मजबूर नहीं करना। ये मेरा आखिरी फैसला है और मैं चाहती हूँ अब हम दोनों के दरमियान में ना आए। नायबा, मेरी बात सुनो। बदतमीज, बदलिहाज, सारी जिंदगी सोने के निवाले खिलाती रही और इसी बात का ताना देकर गई है मुझे। अब तो समझ जाओ कहकशा बेगम, या अब भी नहीं समझोगी? ये वही हराम के सोने के निवाले हैं जो हम अपनी औलाद को खिलाते हैं। अब ये निवाले माँ बाप के हलक में फंस गए, जान भी नहीं बचती, ईमान भी चला जाए। तुम फिक्र मंद हो कहकशा बेगम, लेकिन मैं बहुत खुश हूं
मेरी बेटी को कम से कम सच और झूठ का, सही और गलत का एहसास हो गया।